Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू testbook.com. आज हमारा जो है सिंपल मशीन्स का लास्ट क्लास है. इस हमने अब तक सिंपल मशीन्स के ऊपर 3 क्लासेस कर लिए हैं. ये हमारा 4th क्लास है और इन चारों क्लासेस को देखने के बाद आई एम 100% श्योर कि सिंपल मशीन्स या मैकेनिकल एडवांटेजेस, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी, इन सारे टर्म्स से रिलेटेड आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे. तो चारों जो वीडियो हैं उनके सबसे क्वेश्चन को ध्यान ना देके आप पहले कंसेप्ट को ध्यान देना, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना. तो इससे जो है आपका ये टॉपिक जो है 100% जो है पक्का हो जाएगा. तो देखो बच्चों, हमने क्लास 1 में जो है सिंपल मशीन्स, ये सारे सिंपल मशीन्स कवर किए थे. टोटल 6 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स थे. उसके बाद हमने क्लास 2 में हमने टाइप्स ऑफ लीवर्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने ये ट्रिक डिस्कस किया था कि जो है तीनों टाइप को याद करने के लिए हम क्या क्या ट्रिक यूज करने वाले हैं. फिर उसके बाद हमने जो है सभी जो आपका लीवर्स है उसके लिए मैकेनिकल एडवांटेजेस डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट क्लास है उसके लिए मैकेनिकल एडवांटेजेस कुछ भी हो सकता है. सेकेंड क्लास के लिए मैकेनिकल एडवांटेजेस जो है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, और थर्ड क्लास के लिए जो है मैकेनिकल एडवांटेजेस आपका जो है लेस देन 1 होगा. लेस देन 1 क्यों? क्योंकि यहां पे जो है आपका एफर्ट आर्म जो है लोड आर्म से कम है. तो ये हमने जो है सेकंड क्लास में डिस्कस किया था. उसके बाद बच्चों, हमने सेकंड क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी डिस्कस किए थे, जैसे कि मैकेनिकल एडवांटेजेस, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी. तो हमने ये देखा था कि जो आपका सिंपल मशीन्स है, अब बताया था मैंने आपको कि मशीन्स है तो आपका काम यही रहेगा कि कम से कम एफर्ट लगा के आप ज्यादा से ज्यादा लोड को लिफ्ट कर सको. तो इन सब ये सारे जो टर्म है मशीन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. उसके बाद हमने क्या नोट किया था, देखो बच्चों, अब ये आपका जो है मैकेनिकल एडवांटेजेस, हमने जो है लास्ट क्लास में मैकेनिकल एडवांटेजेस, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी, बस जो है इनका हमने डेफिनेशन डिस्कस किया था कि वो आखिर है क्या क्या. अब फिर से आपको बता रही हूँ कि ये तीनों टर्म्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम मैकेनिकल एडवांटेजेस पे फोकस करेंगे. क्यों? क्योंकि अगर आप निमी की बुक भी देखोगे तो उसमें सिंपल मशीन्स के ऊपर जो है मैकेनिकल एडवांटेजेस पे बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं. अब देखो बच्चों, हमारे पास टोटल 6 सिंपल मशीन्स हैं. अब 6 सिंपल मशीन्स का अपना अलग अलग मैकेनिकल एडवांटेजेस हैं. मैकेनिकल एडवांटेजेस जो है ये यूनिवर्सल है, ये तो सबके लिए है कि मैकेनिकल एडवांटेजेस इज द रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट, कि आप कितना एफर्ट लगा के कितना लोड पिक कर रहे हो, ये तो हो गया आपका रेशो. अब जो है अलग अलग जो है हमारा मशीन्स है उसके लिए जो है आगे ये वाला जो फॉर्मूला है ना इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, ये अलग अलग होता जाता है. तो देख लेते हैं. अब जैसे अगर आपने क्लास 3 देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि 2-3 जैसे व्हील एंड एक्सल का उसमें मैकेनिकल एडवांटेजेस पूछ रखा था इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ व्हील एंड एक्सल. तो आपको आपको ये लोड और एफर्ट का रेशियो तो पता होना ही चाहिए मैकेनिकल एडवांटेजेस के लिए. बट साथ ही साथ अगर क्वेश्चन में लोड और एफर्ट नहीं दिया और जो है डिस्टेंसेस दे रखे हैं, रेडियस दे रखे हैं, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आपको जो है इसका अदर रिलेशनशिप भी पता होना बहुत जरूरी है. तो सबसे पहले हम अपना पहला सिंपल मशीन लीवर के लिए डिस्कस कर लेते हैं. अब लीवर के लिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि लीवर का जो है एक प्रिंसिपल होता है कि जो लोड इंटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म. इसीलिए जब भी एफर्ट आर्म जो है आपका कम हो जाता था तो आपका मैकेनिकल एडवांटेजेस कम हो जाता था. वो देखते हैं क्यों. अब देखो, मैकेनिकल एडवांटेजेस क्या होता है, लोड बाय एफर्ट, और एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, और लोड इनटू लोड आर्म. तो ये देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया. तो आप बोल सकते हैं कि जो आपका मैकेनिकल एडवांटेजेस है वो रेशियो किसका है, एफर्ट आर्म और लोड आर्म का. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसीलिए जब भी आपका एफर्ट आर्म बढ़ता था मैकेनिकल एडवांटेजेस बढ़ जाता था. दैट मींस कि आप कम से कम एफर्ट लगा के ज्यादा से ज्यादा लोड पिक कर पाते थे. तो ये रिलेशनशिप हो गया किसके लिए, लीवर के लिए. अब बढ़ते हैं अपने अगले सिंपल मशीन की तरफ. देखो बच्चों, हमारा जो सेकंड सिंपल मशीन है वो क्या है, पुली. पुली का पूरा वर्किंग मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था. तो ये हम पहले 2 पुलीज डिस्कस करेंगे, एक फिक्स्ड पुली और एक मूवेबल पुली. अब देखो, अगर ये डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे लोड जो लग रहा है वो 100 पाउंड का लग रहा है, मान लो 100 न्यूटन का लग रहा है. अब इस 100 न्यूटन के लोड को उठाने के लिए हम यहाँ पे पुश एंड पुल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं. फोर्स क्या है, एक टाइप का पुश एंड पुल है. तो हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. अब इस फोर्स की वजह से इस वाले पे भी एक टेंशन क्रिएट हो रहा है और इस वाले पे भी एक टेंशन क्रिएट हो रहा है. अब ये देखो, ये फिक्स्ड पुली क्यों है, क्योंकि ये जो पुली है ना ये यहाँ पे फिक्स्ड है.
तो इसका इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग, फिक्स्ड पुली। अब इसमें उठाने के लिए 100 जो है पाउंड का लोड उठाने के लिए आपको 100 ही जो है फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। एक कंसेप्ट ये। दूसरा कंसेप्ट ये कि जितना ये लोड लिफ्ट करेगा यहाँ से ये जो रोप है ना वो भी, मतलब कि आपका एफर्ट है ना वो भी इतना ही मूव करेगा। तो अब आपने क्या देखा कि जो आपका मैकेनिकल एडवांटेजेस है वो रेशियो ऑफ लोड बाय एफर्ट है, ये तो सबके लिए है। ऊपर से हम लोग क्या मान लेते हैं कि इन केस ऑफ आइडल कंडीशन, आइडल कंडीशन में हम क्या मान लेते हैं कि आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट। अब इसमें क्या होगा, अब जो है वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो अब देखो वेट, जो वेट आप अप्लाई कर रहे हो, इनटू डिस्टेंस थ्रू विच वेट इज लिफ्टेड, कितने डिस्टेंस के लिए वेट लिफ्ट हो रहा है, ठीक है। एफर्ट जो कि आप लगा रहे हो, और डिस्टेंस थ्रू विच एफर्ट एक्स, कि मतलब कि अगर ये आपका पुली हो गया, ये आपका इधर से हो गया, यहाँ पे आपका एफर्ट हो गया और यहाँ पे जो है आपका लोड हो गया, तो ये आपका कितना लोड मूव कर रहा है, अप्लाई कर रहे हो और कितना लोड मूव कर रहा है ये वर्क, और कितना एफर्ट अप्लाई कर रहे हो और एफर्ट कितना मूव कर रहा है ये वाला। तो ये तो हो गया आपका, हमने आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट ये लगा दिया हमने आइडल कंडीशन के लिए, हमने मान लिया। आपसे क्वेश्चन जो है जो MCQ में पूछे जाते हैं मेनली वो आइडियल कंडीशन के लिए ही पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पे बच्चों ध्यान दो कि आपका जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो क्या है, लोड बाय एफर्ट, और एफर्ट और एफर्ट इनटू डिस्टेंस मूव थ्रू एफर्ट, और लोड इनटू डिस्टेंस थ्रू विच वेट इज लिफ्टेड। तो जो आपका पुली हो गया उसके लिए आपका मैकेनिकल एडवांटेजेस इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ये हो गया, इसको आप जो है नोट डाउन करोगे। एक चीज और बच्चों, अब ये जो आपका सिंपल जो है फिक्स्ड पुली है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जितना आप जो है एफर्ट आपका मूव कर रहा है उतना ही लोड मूव कर रहा है, ठीक है। ये फिक्स्ड पुली के केस के लिए ध्यान से सुनो कि जितना आपका वेट मूव कर रहा है लोड भी इधर से उस रोप की थ्रू उतना ही मूव कर रहा है। तो इस केस में आपका जो है ये दोनों डिस्टेंस बराबर हो जाएंगे, दोनों डिस्टेंस बराबर हो जाएंगे। या इन अदर वर्ड्स ये कहो कि आपको अगर 20 न्यूटन का लोड उठाने के लिए जो आप एफर्ट अप्लाई कर रहे हो ना वो भी 20 न्यूटन है, तो फिक्स्ड पुली के लिए जो आपका मैकेनिकल एडवांटेजेस हो जाता है वो 1 हो जाता है। ये रिलेशनशिप आप याद रखोगे। फॉर एन आइडियल पुली जो है उसका जो आइडियल मैकेनिकल एडवांटेजेस है वो कितना हो जाता है, 1। ये हो गया आपका किसके लिए, फिक्स्ड पुली के लिए। अब बढ़ते हैं हम मूवेबल पुली। देखो हमने फिक्स्ड पुली डिस्कस किया, ये था कि अगर आपको 120 का न्यूटन का लोड उठाना है तो आपको जो है एफर्ट भी 120 न्यूटन लगाना पड़ा था। अब ये तो आपका हो गया किसका केस, फिक्स्ड का। अब यहाँ पे ये देखो ये मूवेबल पुली है, ये देखो ये पुली फिक्स्ड नहीं है, ये मूव कर रही है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका लोड है वो कितना है, 120 न्यूटन, ये देखो 120 न्यूटन। अब इसको उठाने के लिए देखो एक रोप यहाँ पे और एक रोप यहाँ पे अगर आप ध्यान दे रहे हो, तो मतलब कि आपका क्या हो गया, अगर आप फोर्स बैलेंस भी करोगे तो जो है FY में फोर्स बैलेंस करोगे तो जो डाउनवर्ड फोर्स है शुड बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। तो यहां से भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो ये 120 का जो लोड है ना ये दोनों रोप में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो देखो यहाँ पे भी मिला 60 आपको और यहाँ पे भी मिला 60। तो कहने का मतलब आप एफर्ट कहाँ से अप्लाई कर रहे हो, यहाँ से। तो अब आपको 120 न्यूटन का जो है लोड उठाने के लिए एफर्ट कितना लगाना पड़ रहा है, 60 न्यूटन। तो अब क्या हो गया, आपका मैकेनिकल एडवांटेजेस बढ़ गया। अगर आप इस केस के लिए मैकेनिकल एडवांटेजेस निकालोगे तो आपका जो है लोड कितना हो गया, 120, और जो आपका एफर्ट कितना हो गया, 60, तो मैकेनिकल एडवांटेजेस आपका कितना आ गया, 2, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पे आपका एक मूवेबल पुली था, अब देखो ये देखो ये फिक्स्ड का केस है। अब एक ट्रिक क्या है, ट्रिक आपका क्या याद रखना है, इन अ सिंपल वे टू डिटरमाइन द आइडल मैकेनिकल, बच्चों मैं बार बार कह रही हूँ ये आइडल है, इसमें जो है हम आउटपुट और इनपुट को इक्वल मान के चलते हैं तो ही हम जो है लोड और डिस्टेंस का हम रिलेशनशिप फाइंड आउट कर पाते हैं। तो आइडल मैकेनिकल एडवांटेजेस टू अ पुली सिस्टम इज टू काउंट द नंबर ऑफ लेंथ ऑफ रोप, ध्यान रखो, काउंट द नंबर ऑफ लेंथ ऑफ रोप बिटवीन पुली दैट सपोर्ट्स द लोड, मतलब कि लोड और पुली के बीच में जो आपका रोप है ना वो कितने रोप है, क्यों, क्योंकि क्या होगा जितने वो रोप्स बनेंगे आपका जो वो लोड है उतने ही भागों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, और जो आपका एक रोप का जो लोड बचेगा वो आपका जो है एफर्ट होगा। अब ये देखो ये फिक्स्ड पुली था, तो आपका ये लोड और इस पुली का जो ये रोप है कितने रोप बने, n इज इक्वल टू 1, तो मैकेनिकल एडवांटेजेस कितना हो गया, 1, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था कि फिक्स्ड पुली के लिए जो है अपना लोड जो है वो इक्वल टू किसके हो जाता है, एफर्ट के। तो क्या हो गया, 1।
अब देखो, ये आया आपका मूवेबल पुली, ये आपका लोड है, ठीक है, और ये आपका जो है रोप है जो कि दूसरे एंड पे है। तो कितने रोप्स बने? टू। मतलब कि जो आपका जो डब्लू लोड है वो कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया? दो हिस्सों में, डब्लू बाय टू और डब्लू बाय टू। तो यहाँ पे आपका जो मैकेनिकल एडवांटेजेस कितना हो गया? टू। ध्यान से अभी वीडियो पॉज कर लेना अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो, और पॉज करके एक बार देख लेना कि ये क्या रिलेशनशिप मैं डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि कि अगर ये जो नहीं आया तो चांसेस है कि आप एक दो क्वेश्चन जो है एग्जाम में मिस कर जाओगे, तो इसको बहुत ध्यान से देखना। अब देखो, ये वाला लोड हो गया, ये लोड हो गया, और जो आपका ये जो पुली है उसके बीच में कितने, अब ये देखो ये डब्लू डब्लू, अब आपके रोप्स कितने बन रहे? एक रोप, ये दो, और ये तीन, और ये चार। टोटल कितने रोप्स बने? फोर रोप्स बने। या इसको इस वे में भी कह सकते हो कि डब्लू लोड को जो है चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। तो आपका मैकेनिकल एडवांटेजेस कितना हो गया? फोर। ये देखो, ये रोप से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है? क्योंकि अगर ये देखो, ये चार है, दैट मीन्स कि आपका जो एफर्ट लग रहा है वो कितना लग रहा है? W बाय फोर। तो आपका जो मैकेनिकल एडवांटेजेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लोड, लोड कितना? W, एफर्ट कितना? W बाय फोर। तो आपका मैकेनिकल एडवांटेजेस कितना हो जाएगा? फोर। तो ये यहाँ से डायरेक्टली रिलेशनशिप आ रहा है कि अगर रोप n हिस्सों में डिवाइड हो गई है तो डैट मीन्स आपका जो एफर्ट है वो भी n हिस्सों में डिवाइड हो जा रहा है, और इससे क्या हो रहा है कि आपका मैकेनिकल एडवांटेजेस कितना हो जा रहा है? ये n हो जा रहा है। तो ये तो हो गया आपका मूवेबल पुली। अब बच्चों देखो, एक जो है कंपाउंड पुली का ये एक एग्जांपल देखो, इसको बहुत ध्यान से समझना। पहले तो क्या करना, वीडियो को पॉज करना और देखना है कि ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, फिर उसके बाद आप देखना कि मैं कैसे आपको डिस्कस कर रही हूँ, बता रही हूँ। ये देखो, ये लोड डब्लू है, यहाँ पे दो रो, ठीक है, तो मतलब डब्लू कितने हिस्सों में डिवाइड हुआ? दो हिस्सों में, डब्लू बाय टू, और इधर भी डब्लू बाय टू। अब ये पुली है, इसके लिए डाउनवर्ड फोर्स कितना? डब्लू बाय टू। इसके ऊपर भी दो रो, तो मतलब जो अपना डब्लू बाय टू था वो भी दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, तो कितना हो गया? डब्लू बाय फोर और डब्लू बाय फोर। ध्यान से देखो, ठीक है, उसके बाद ये आपका जो सेकेंड नंबर वाला पुली है, इसके लिए डाउनवर्ड लोड कितना लग रहा है? W बाय फोर। तो अब ये W बाय फोर भी कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया? दो हिस्सों में, तो कितना आया? W बाय एट, W बाय एट, ये आपका हो गया। अब मतलब कि अब देखो बहुत ध्यान से, बहुत ही अच्छा, इसीलिए बोलते हैं कि जितनी ज़्यादा आप पुलिस लगा दोगे ना, कंपाउंड पुलिस, आपको उतना ही कम एफर्ट लगाना पड़ता है। इसीलिए हमेशा सिंगल पुली और फिक्स्ड पुली के कंपैरिजन में हम लोग कंपाउंड पुलिस को जो है वो प्रेफर करते हैं। अब ये देखो, डब्लू का जो लोड उठाने के लिए फाइनल में जो आपको लोड लगाना पड़ा उसका 1/8 लगाना पड़ा। देखो कितना ज़्यादा हमारा जो है एफर्ट सेव हो गया। तो अब यहाँ पे बच्चों अगर हम मैकेनिकल एडवांटेजेस जो है देखेंगे तो कितना हो जाएगा? लोड, लोड कितना है? W, एफर्ट कितना है? W बाय 8, तो मैकेनिकल एडवांटेजेस कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ से आपका जो है फिक्स्ड पुली और मूवेबल पुलीज का मैकेनिकल एडवांटेजेस यहाँ से आपका जो है क्लियर हो गया। मुझे पक्का यकीन है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, यहाँ तक देखो, फिर उसके बाद अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सिंपल मशीन की तरफ। अब डिस्कस करते हैं मैकेनिकल एडवांटेजेस ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन मैंने बताया था, जो आपका रैंप हो गया जिसके ऊपर आप हैवी वेट को डायरेक्ट ना ले जाके सरका के वो इंक्लाइन प्लेन के थ्रू लेके जाते थे। अब देखो, इंक्लाइन प्लेन का क्या कंसेप्ट था कि ये जैसे ये देखो आपका इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, कंसेप्ट क्या था कि इस हैवी लोड को डायरेक्ट यहाँ तक लेके जाओ। एक तो ये आपका लग रहा था डायरेक्ट, जिसमें कि आपको एफर्ट जो है ग्रेविटेशन के अगेंस्ट लगाना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा जो है एफर्ट लगाना पड़ रहा था। दूसरा क्या था कि इसको इस प्लेन के थ्रू सरका के ऊपर लेके जाओ, तो इससे जो है आपका जो है एफर्ट जो है काफ़ी रिड्यूस हो जाता था। तो अब देखो, एफर्ट रिड्यूस हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी हम जो है अपना मैकेनिकल एडवांटेजेस काउंट कर रहे हैं। तो अब इंक्लाइन प्लेन के लिए आपका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा वो डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो, ये आपका इंक्लाइन प्लेन हो गया, ठीक है, ये आपका लोड हो गया जिसको कि वो मूव कर रहा है, और ये आपकी हाइट होगी एट लास्ट जहाँ पे वो पहुँच जाएगा, ठीक है, और ये आपका स्लेंट हो गया, स्लेंट मतलब ये ढलान कितना है, ठीक है, और ये ढलान है क्यों, तो यहाँ पे आपका एंगल भी बनेगा, वो एंगल हो गया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब देखो, मैकेनिकल एडवांटेज अगेन बार बार बता रही हूँ कि मैकेनिकल एडवांटेज चाहे कुछ भी हो उस वो क्या होता है, लोड बाय एफर्ट, ये तो होता ही होता है। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि डिस्टेंस की टर्म में ये कैसा होगा। तो देखो,
इन ऑर्डर टू रेज लोड W, द एफर्ट P मस्ट बी अप्लाइड. अब ये देखो, मान लो ये जो है आपका लोड W है, तो यह आप एफर्ट लगा रहे हो, कितना P का एक एफर्ट लगा रहे हो. इफ द एफर्ट इज अप्लाइड थ्रू द डिस्टेंस L, अब ये जो एफर्ट आपका लग रहा है वो कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, L डिस्टेंस पे लग रहा है, ठीक है. ड्यू टू विच लोड इज लिफ्टेड थ्रू हाइट H. अब इस L डिस्टेंस पे आपने एफर्ट लगाया P, तो ये जो W लोड है फाइनली में कहाँ पहुंच गया, एक H हाइट पे पहुंच गया, ठीक है. तो ये तो आपका हो गया पूरा कि वर्किंग प्रिंसिपल, कि किस प्रिंसिपल पे ये वर्क कर रहा है, कि आपने P का एफर्ट लगाया L डिस्टेंस पे, तो आपका जो W लोड था वो H डिस्टेंस पे पहुंच गया. अब आता है कि हम आइडल सब कुछ कंसिडर कर रहे हैं, तो आइडल मैकेनिकल एडवांटेजेस क्या होगा, कि आपका जो आउटपुट है वो इनपुट के बराबर हो जाएगा, और वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस. तो हमने क्या यहां से रिलेशनशिप निकाला, कि लोड इनटू एच, मतलब लोड कितने पे पहुंचा, एच हाइट पे, डब्ल्यू इनटू एच इज इक्वल टू पी इनटू एल, ठीक है. एल जो है डिस्टेंस पे, ये आपका पी मूव किया, तो आपका जो मैकेनिकल एडवांटेजेज है वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाय पी, दैट मींस एल बाय एच. तो ये आपका हो गया लेंथ ऑफ द स्लैंट इनटू डिवाइड बाय हाइट ऑफ द स्लैंट, कि ये झुकाव जो है उसका लेंथ और ये हाइट जो है उसका रेशियो हो गया. ध्यान से बिल्कुल इसको नोट डाउन करोगे, इस पे बेस्ड डायरेक्टली रिलेशनशिप पे बेस्ड क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं. अब बच्चों एक चीज और ध्यान रखो, क्यों, क्योंकि यहाँ झुकाव है तो एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बन रहा है थीटा, और आपको पता है कि जो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर हाइट डिवाइड बाय हाइपोटेनस. तो यहाँ पे जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एच, ठीक है, और जो आपका जो हाइपोटेनस है वो कितना है, एल. तो साइन थीटा आपका कितना हो गया, एच बाय एल, और यहाँ पे आपका क्या है, एल बाय एच. तो दिस विल बी इक्वल टू वन बाय साइन थीटा. तो आपका मैकेनिकल एडवांटेजेस, कहने का मतलब बच्चों ध्यान से सुनो, मैकेनिकल एडवांटेजेस यहाँ पे जो है आपका हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट, मतलब ये हाइट जितना कम से कम रखोगे उतना जो है आपका जो है मैकेनिकल एडवांटेजेस बढ़ जाएगा. तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक आपका इंक्लाइन प्लेन ये वाला है, ठीक है, यहां पे आप लेके जा रहे हो, और एक आपका इंक्लाइन प्लेन ये वाला है, ठीक है. तो यहाँ पे आपने जो है h रिड्यूस कर दिया, तो आपको डायग्राम देख के भी समझ में आ रहा है कि h रिड्यूस हो गया मतलब थीटा रिड्यूस हो गया, तो आपको जो है एफर्ट जो है कम से कम लगाना पड़ेगा. और यहाँ पे देखो, इस वर्टिकल को एफर्ट लगाने में और इतने ज़्यादा जो है हाइट पे एफर्ट लगाने में ज़्यादा एफर्ट आपका कम नहीं हुआ. तो कहने का मतलब जितना कम h होगा मैकेनिकल एडवांटेजेस आपका उतना ही ज़्यादा होगा, एफर्ट आपको उतना ही कम लगाना पड़ेगा. या ये बोलो कि जितना कम थीटा होगा मैकेनिकल एडवांटेजेस आपका उतना ही ज्यादा हो गया. तो ये तो हो गया आपका इंक्लाइन प्लेन के लिए. यहीं पे आप जो है नोट डाउन कर लो कि कैसे कैसे इंक्लाइन प्लेन के लिए अपना मैकेनिकल एडवांटेजेस वेरी करता है. अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सिंपल मशीन की तरफ. अब देखो हमारा जो नेक्स्ट सिंपल मशीन है क्या है, वेजिस जो है आपका जो नाइफ में यूज होता है, दोनों तरफ से इंक्लाइन प्लेन होते हैं वो वाला. मैंने आपको बताया था कि अगर एक तरफ इंक्लिनेशन है तो इसको इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं, और अगर यही इंक्लिनेशन आपका दोनों तरफ है तो इसको जो है वेज बोलते हैं. तो वेज का यूज मैंने आपको डिस्कस किया था कि किसके लिए करते हैं, सरफेस को अपार्ट करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए. तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये वेज का आपका थिकनेस हो गया और ये वेज की आपकी लेंथ हो गई. अब देखो यहाँ पे जो आपका जो है लोड अप्लाई हो रहा है वो कितने पे अप्लाई हो रहा है, इस वेज की जितनी थिकनेस है, और एफर्ट किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, एफर्ट हो रहा है इसका जो है इंक्लाइंड जो है प्लेन है. तो यहाँ पे आपका मैकेनिकल एडवांटेजेस क्या हो गया, मैकेनिकल एडवांटेजेस इज द रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट. तो यहाँ पे आपका मैकेनिकल एडवांटेजेस हो गया कि लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, कि ये इंक्लाइंड प्लेन का लेंथ कितना है जहाँ पे आपका एफर्ट अप्लाई हो रहा है, ये देखो ये लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, डिवाइड बाय थिकनेस ऑफ द वेज, कि ये वेज की जो है ये थिकनेस कितनी है, ये वाली जो है थिकनेस कितनी है. तो कहने का मतलब थिकनेस जितना कम होगा मैकेनिकल एडवांटेज उतना ही ज़्यादा होगा. ध्यान से देखो, थिकनेस जितनी आपकी कम होगी वेज की, मैकेनिकल एडवांटेजेस मतलब कि जो आपका काम होगा एफर्ट होगा उतना ही ज़्यादा होगा. इसीलिए जो है शार्प वेज का मैकेनिकल एडवांटेजेस बहुत ही ज़्यादा होता है. आपसे इसी पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शार्प वेज का मैकेनिकल एडवांटेजेस कम होता है या ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा होता है. अब बढ़ते हैं अपने आखिरी जो है सिंपल मशीन की तरफ. अब देखो बच्चों, मैकेनिकल एडवांटेजेस ऑफ स्क्रू,
फिर से मैं मुझे पक्का यकीन है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो पूरा नोट डाउन करते जाओ, एक एक सिंपल मशीन देखो, यहाँ पे बनाओ सिंपल मशीन, यहाँ पे बनाओ उसका डायग्राम जो है आपका सेकंड कॉलम है, और थर्ड कॉलम में उसका मैकेनिकल एडवांटेज देखो, क्योंकि अगर 6 के 6 सिंपल मशीन के मैकेनिकल एडवांटेजेज और डायग्राम आपके पास होंगे तभी आप चीज़ों को याद रख पाओगे, एक एक को अगर रटोगे तो फिर भूल जाओगे। तो अब बढ़ते हैं हम अपने स्क्रू की तरफ। अब ये देखो, ये स्क्रू आपने देखा होगा, लोड जो है इसके ऊपर होता है, ठीक है। अब ये आपका जो है स्क्रू जैक हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, टू टर्न द स्क्रू एफर्ट पी इज अप्लाइड एट द स्क्रू हेड। ये आपका जो स्क्रू हेड है इस पे जो है आप एफर्ट अप्लाई करते हो। अब चाहे जैसे आप स्क्रू खोलते भी हो तो आप एफर्ट जो है पूरा हेड पे ही अप्लाई करते हो ना। ये स्क्रू जैक से आप जो है व्हीकल वगैरह को ऊपर करते हो तो आप जो है एफर्ट कहाँ लगाते हो, यहाँ पे इस हैंडल पे ऐसे करके रोटेट करके आप एफर्ट लगाते हो। तो लेट डी बी द रेडियस, डी जो है आपका स्क्रू का रेडियस हो गया है, एंड एफर्ट एक्ट्स अलोंग। अब ये देखो, अगर आप नट को खोल भी रहे हो, स्क्रू को खोल भी रहे हो, तो आपका जो एफर्ट जो है पी लग रहा है वो कितने रेडियस पे लग रहा है, डी रेडियस पे, और उसने डिस्टेंस कितना मूव किया, 2πd, ठीक है। ये स्क्रू के केस हो गया। अगर आपका जो है स्क्रू जैक हो गया और अगर आप उसको हैंडल से ऐसे घुमा भी रहे हो तो आप कितना डिस्टेंस मूव कर रहे हो, ये जितना लेंथ हो गया इसका, ठीक है। तो मतलब पी इंटू 2π, ये लेंथ मान लिया मैंने डी, तो 2πd कुल मिला के आप कितना डिस्टेंस मूव कर रहे हो, 2πd। तो ये तो हो गया एफर्ट इंटू उससे एफर्ट ने कितना डिस्टेंस मूव किया। उसके बाद एज अ रिजल्ट स्क्रू कवर डिस्टेंस एच, ये एच क्या है आपका, पिच है, ठीक है। अब क्या होता है, आप तो ऊपर से करते हो और स्क्रू जो है आप देखो यहां पे ध्यान से देखना, आप जो है रोटरी मोशन देते हो, ठीक है, और स्क्रू जो है लीनियर मोशन एलोंगेट, स्क्रू ऊपर उठता है, जैसे स्क्रू जैक में आप व्हीकल को ऊपर उठाते हो तो हैंडल से घुमा घुमा के ऊपर व्हील को उठाते हो, तो जो है आपका स्क्रू ने कौन सा डिस्टेंस मूव किया, लीनियर। वो किसके बराबर होता है कि पिच, पिच क्या होता है कि ये जो दोनों थ्रेड्स है ना इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 पिच होती है। तो आपका अब यहाँ पे रिलेशनशिप क्या आया आइडल केस के लिए, आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, दैट मीन्स डब्ल्यू ने कितना डिस्टेंस मूव किया एच, एफर्ट ने कितना डिस्टेंस मूव किया 2πd। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड बाय एफर्ट, दैट मींस कि एफर्ट ने कितना डिस्टेंस मूव किया और लोड ने कितना डिस्टेंस मूव किया, तो 2πd बाय एच। तो ये तो हो गया आपका मैकेनिकल एडवांटेजेस स्क्रू के लिए। अब देखते हैं मैकेनिकल एडवांटेजेस ऑफ व्हील एंड एक्सल। अब देखो व्हील और एक्सल के केस में, ये देखो ये व्हील है अपना, ठीक है। हम लोग जैसे व्हील चेयर भी हो गया तो हम लोग एफर्ट किस पे अप्लाई करते हैं, व्हील पे। तो एफर्ट हमारा जो है पी लगा किस पे, व्हील पे, ठीक है। अब व्हील पे आप, ये भी एक सर्कुलर जो है बॉडी है तो डिस्टेंस कितना मूव होगा, उसका सर्कमफ्रेंस, तो डिस्टेंस मूव हुआ कितना एफर्ट के द्वारा, 2πr, तो पी इंटू 2πr। अब आपका जो लोड होता है वो किस पे होता है, एक्सल पे होता है। एक्सल का रेडियस कितना है, स्मॉल आर, देखो यहाँ से आपका दिख जाएगा, ये आपका एक्सल हो गया और यहाँ से यहाँ आपका ये व्हील हो गया। तो जो है लोड आपका हो गया डब्लू, डब्लू ने कितना डिस्टेंस मूव किया, 2πr। तो अब आपका मैकेनिकल एडवांटेजेस क्या हो जाएगा, डब्लू बाय पी, दैट मीन्स ये यही हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन था, जो लास्ट क्लास का क्वेश्चन था वो है यही था कि डब्ल्यू बाय पी विल बी इक्वल टू व्हील का रेडियस डिवाइड बाय एक्सल का रेडियस। तो ये भी रिलेशनशिप आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व किया था। तो बच्चों पूरे के पूरे 6 सिंपल मशीन्स के लिए आपका मैकेनिकल एडवांटेजेस, तो लोड बाय एफर्ट तो सबके लिए होता ही होता है, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस या रेडियस वो कैसा होगा वो हमने डिस्कस कर लिया। अब इस पे बेस्ड किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अगर व्हील का रेडियस जो है ज़्यादा हो गया तो मैकेनिकल एडवांटेजेस ज़्यादा होगा या कम होगा, एक्सल का रेडियस जितना कम होगा मैकेनिकल एडवांटेजेस कैसा होगा, सिमिलरली स्क्रू जैक में जितना ज़्यादा हैंडल की लेंथ करोगे रेडियस आपका बढ़ जाएगा तो आपका मैकेनिकल एडवांटेजेस क्या होगा, इंक्लाइंड प्लेन में अगर आप जो है थीटा को जितना कम करोगे या ज्यादा करोगे मैकेनिकल एडवांटेजेस क्या होगा, एफर्ट आर्म या लोड आर्म को जो है वेरी करोगे तो आपका मैकेनिकल एडवांटेजेस क्या होगा। तो यही इसी कंसेप्ट पे बेस पे घुमा फिरा के आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको अगर कंसेप्ट अच्छे से पता है तो क्वेश्चन को आप आसानी से रिप्लाई कर सकते हो। तो बच्चों ये थे आपके डिफरेंट डिफरेंट सिंपल मशीन, सारे 6 सिंपल मशीन के लिए मैकेनिकल एडवांटेजेस, कि आपका लीवर के लिए मैकेनिकल एडवांटेजेस किस तरीके से लोड आर्म एफर्ट आर्म पे डिपेंड करता है, पुली के लिए किस तरीके से दोनों के डिस्टेंस पे करता है, व्हील एंड एक्सल के लिए किस तरीके से वो व्हील का रेडियस और एक्सल के रेडियस पे डिपेंड करता है, स्क्रू के लिए वो किस तरीके से स्क्रू का जो हेड डायमीटर है या उसका पिच है उस
पे डिपेंड करता है, वेजेस के लिए वो कैसे डिपेंड करता है। तो इस मतलब कि हमने इस वीडियो में सिंपल मशीन्स और सिंपल मशीन्स पे के लिए मैकेनिकल एडवांटेजेस का जो क्या क्या उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, हमने पूरे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से डिस्कस किया। तो यहाँ से इससे हट के आपका मैकेनिकल एडवांटेजेस सिंपल मशीन्स के लिए कुछ नहीं है, यही आपका पूरा होल कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो किसी भी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चंस आए आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो अभी क्या करना, अभी ये वीडियो देखना, कॉन्सेप्ट बनाना, नोट्स बनाना, और उस पे बेस जो है हम नेक्स्ट क्लास में ये जो भी आज पढ़ा उससे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। फिर वहां से आप खुद को भी जज कर पाओगे कि लास्ट क्लास आपको कितने अच्छे से समझ में आए, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने थे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, आपको न्यूमेरिकल दे दिया, कॉन्सेप्ट नहीं पता तो भी आप नहीं कर पाओगे, और अगर आपने कॉन्सेप्ट पूरा किताबें पढ़ी ली और क्वेश्चंस अगर आपने एक भी सॉल्व नहीं किया तो भी कोई फायदा नहीं, आपको पता ही नहीं कि कॉन्सेप्ट का किस तरीके से यूज होता है। तो बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट क्लास में जो है, नेक्स्ट क्लास आपकी आखिरी क्लास होगी, उसमें जो है हम मैकेनिकल एडवांटेजेस पे बेस्ड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो निमी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों की मदद करो, दोस्तों के साथ जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो करो, एक अच्छा सा ग्रुप बनाओ, ग्रुप स्टडी करो, और जो है अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।